बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपसे बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज के जो के बलूचिस्तान के पब्लिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को डील करता है, इनके एडमिशंस के हवाले से प्रोसीजर बताया गया वन बाय वन स्टेप इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो कम्प्लीट देखेगा ताकि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको बताते चले कि बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जो है ये पहले कॉलेज था, बीएमसी था, और अब जो है उन्होंने ये बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज का हो गई है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों ने www.bumhs.edu.pk टाइप करना है। इसके अलावा इनका जो मेरिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोग देख सकते हैं कि 65% आपके प्री मेडिकल में और आपके फिर 65% आपके एफएससी में, आपके जो है एमडीकेट में होना चाहिए। इसके अलावा फीस सबमिशन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने एचबीएल की ब्रांच में जाके तकरीबन 650 रुपए जमा कराने हो गए और ये जो अकाउंट है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नेम आप लोगों ने ये BUMHS का जो बैंक अकाउंट है उसमें आप लोगों ने डिपॉजिट करने हो गए और बाद में जो स्लिप है वो आप लोगों ने अपलोड करनी होगी ऑनलाइन। अब इसके अलावा जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मेरिट फार्मूला जो यूज हुआ है वो 10, 40, 50 यूज हुआ है। तो आप लोग ये जो है हमारी वेबसाइट parklearningspot.com पे जाके आप लोग ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नॉर्मली इनका 50-50 जो है वो मेरिट फार्मूला होता था, लेकिन इस दफा जो है इन्होंने जो तमाम मेडिकल कॉलेजेस यूज कर रहे हैं 10, 40, 50 वो ही यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इनका 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ हुआ है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 15 नवंबर, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो क्लोज होगी वो 22 नवंबर को हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग हाफ से कुरान का टेस्ट जो है वो 24 नवंबर तक है होगा, और इसके अलावा मेडिकल बोर्ड फॉर डिसेबिलिटी देख सकते हैं कि 25 नवंबर को और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 3 दिसंबर को, और इस तरह फर्दर इनके जो है वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट और जो इनकी फर्दर जो कि इंटरव्यूज हो गए वो बाद में स्केड्यूल हो गए। इसके अलावा आप लोग जो है इनकी वेबसाइट पर आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, आप लोगों ने सिंपल जो गूगल पे जाके सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है और उसके बाद आप लोगों ने जो टाइप करना है वो BUMHS, ठीक है, आप लोगों ने ये टाइप करना है तो आपको जो है बोलान यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट जो ये लिंक है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन्स पे क्लिक करना है। एडमिशन्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट देखना चाह रहे हैं BDS के लिए आप लोगों को अलग जो है अप्लाई करना होगा। अगर सिर्फ MBBS की बात करें तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह करके आपने क्लिक कर देना है अप्लाई करने का, तो यहाँ फर्दर यहाँ पे और भी जो है आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड, आप लोग इसको लाजमी एक दफा पढ़ लेगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि आप लोगों को लाजमी जो है वो जो जो आपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दी है, जो जो इन्फॉर्मेशन पुट करेगा वो बिल्कुल ठीक हो, आप लोगों के अंदाजे से, मतलब कि कोई ऐसी गलत चीज ना हो कि आप लोग जो है बाद में उसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे और आपके एडमिशन जो है वो उसमें बहुत डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसमें जो है हम लोग सिंपल एक जनरलाइज मतलब के डेटा पुट करेंगे जो कि मतलब ठीक नहीं होगा, आप लोग जो है अपने मुताबिक जो है डाटा है वो आप लोगों ने डालना है। देख सकते हैं पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये क्लिक कर लेना है MBBS का एडमिशन, इसके बाद आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। अगर BDS के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए अलग अगर आपको जो है वो अप्लाई करना होगा, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। कोटा जो है आप लोगों ने यहाँ पे पहले जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल मेरिट नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन ये जो 20 से ऊपर जो है ना वो अब जनरल मेरिट का है। इसका तरीका ये होता है कि आप लोग ये इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बी के ऊपर जो है वो जनरल मेरिट के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और कोटे को अप्लाई करें तो वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सी नहीं सी आप लोगों ने अपना टाइप कर देना है। इसके अलावा आपको पता चलेगा जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो CNIC और बैंक ड्राफ्ट, और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी FSC का रिजल्ट और आपके जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट है, अगर आपका FSC का रिजल्ट अगर नहीं आया तो वो भी आप लोग मतलब कि अगर आप लोगों ने जो दोबारा से अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ डिलेट रिजल्ट है तो वो भी आप लोग इसको पुट कर सकते हैं और आप लोग बाद में जो है वो अपना रिजल्ट अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो है आप लोगों के पास MDCAT का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो है बोलान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो लाजमी आपके पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग कोई भी जो CNIC नंबर है वो टाइप कर देते हैं, आप लोगों ने अपना CNIC टाइप करना होगा। अब तो
ये अब जब हमने टाइप कर लिया एक रैंडम जो है वो एक सीने सीना पर हमने लिख लिया, इसके बाद आप लोगों ने जो है वो अपनी पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, नाम, ईमेल एड्रेस, अपने सही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, नेम में आप लोगों ने जो है अपना नाम लिख लेना है, फादर नेम में आप लोगों ने जो है वो लिख लेना है, इसी तरह आप लोगों ने नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, प्रोवेंस जो है आप लोग और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप लोग जो है पंजाब या मतलब कि उसका अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग वो भी जो है वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सीट्स होती है वो बलूचिस्तान की होती है। तो फर्दर आपको डिवीज़न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन सी आपकी डिवीज़न है, क्वेटा से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ले, मतलब कि जो भी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, इसके अलावा आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपना सही वाला ईमेल एड्रेस देना है जो कि आपके यूज में हो। अगर आप लोग नहीं करेंगे, अगर आप लोगों ने कोई गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया जो कि आपके यूज में नहीं है, या मतलब के जो जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो कौन सा उसका कोड था या कुछ भी इस तरह की चीज, तो फिर आप लोग दोबारा से जो है उसको रिट्राइव नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है अपने इन्फॉर्मेशन जितनी भी पुट करें वो बिल्कुल ठीक हो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे जो है हम लोग रैंडम डेटा जो है वो पुट कर रहे हैं ताकि आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता सके किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपने एड्रेस लिख के अप्लाई नाउ पे करना है। तो यहाँ पे जो स्टेप टू के अंदर आप लोगों ने जो है अपने जो मैट्रिक, इसके अलावा आपके एफएससी और आपके जितने भी एकेडमिक जो कि क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक और या ओ लेवल्स या आपका एफएससी या ए लेवल्स, जो इन दोनों की आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने किस मतलब के बोर्ड से किया है, वो तमाम बोर्ड यहाँ प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो देख लेना है कि किस मिसाल में आपने किया था, रोल नंबर अपना टाइप कर देना है, इसके अलावा आपने कितने भी जितने भी मार्क्स लिए थे वो आपने टाइप कर देने हैं, और ये मैट्रिक का रिजल्ट आपका हो जाएगा। डिवीजन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है, सब्जेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं कि साइंस और प्री मेडिकल। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें जो है आपको तमाम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और वो टाइप करने होते, लेकिन सिंपल अगर आप लोग ये जो है वो साइंस या प्री मेडिकल भी लिख देगा तो वो भी कोई इशू नहीं होता। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सिंपल ये साइंस और प्री मेडिकल की ही ऑप्शन है। सर्टिफिकेट जो है आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है, इसके बाद जो है आप लोगों ने अगर अपने एफएससी का रिजल्ट है तो वो आप लोगों ने टाइप कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने जाके जो है वो सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, सेशन कौन सा था, और इसमें रोल नंबर आप लोगों ने टाइप कर देना है। इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आप लोगों ने टाइप मतलब के हासिल किए वो आप लोगों ने लिख देना है यहाँ पे जैसे, और डिवीजन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी डिवीजन है। इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट आपने प्री मेडिकल कर लिया है। सर्टिफिकेट जो है आप लोग डिलेट भी कर सकते हो और डिक्लेयर भी कर सकते हो, डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है एडअप हो जाएगी। अब जब आप इसको एकेडमिक रिकॉर्ड कंप्लीट पे सिलेक्ट करेंगे तो इस पे जो है थर्ड स्टेप आ जाएगा। अब जो आप लोगों ने बैंक चलान जो कि एचबीएल की ब्रांच में जमा कराया होगा वो आप लोग उसका चलान नंबर लिख देंगे, ब्रांच कोड जो भी जो बैंक की आप लोग जो है बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि उनकी ब्रांच कोड कौन सी है। इसी तरह सिटी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपके जो है किस सिटी से आपने अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने वो जितनी भी अमाउंट थी वो लिख देनी है। डिपोजिट डेट आप लोगों ने लिख देनी है कि भाई इस मतलब की तारीख को जो है वो आप लोगों ने डिपॉजिट किया है। फॉर एग्जांपल इसमें आप लोग देख सकते हैं ये टिकट लिया, सबमिट करेंगे। अब फर्दर जो है स्टेप फोर में जो है आपकी इमेज की बात आएगी। इमेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ जेपीजे या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। रेजोल्यूशन का ख्याल भी आप लोगों ने रखना होगा कि रेजोल्यूशन 30x350 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका साइज जो है वो 22 MB से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब इस तरह करके जो है 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लेगा, पहले से फोल्डर बना लेगा, मतलब कि इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये कैप्चर्ड जो पिक्चर है हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, ये जेपीजी फॉर्मेट में है और इसकी रेजोल्यूशन भी ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएगी। तो जब ये अपलोड होगी तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अपना आप लोगों ने प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होगी। कॉलेज वाइज आप लोग बोलान मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और ये जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस है इसमें आप लोग जो है रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल ऐसा नहीं है कि आप लोग पंजाब के सूबे से आप लोग इसमें अप्लाई कर ले, ये आप लोग जो है बलूचिस्तान के सूबे के ही स्टूडेंट जो है वो इन कॉलेजेस में, फॉर एग्जांपल लियाकत यूनिवर्सिटी लम्स में या नेशनल मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। वो
उनका जो डोमिसाइल हो वो बलूचिस्तान का ही होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेनी है, प्रायोरिटी फर्स्ट में बुलान रख लेते हैं मकरान, इसके अलावा जो इनका झलावन मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि लोअर अलाई मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और अगर रखना चाहे किंग एडवर्ड को हम लोग प्रायोरिटी में रख देते तो अप्लाई नौ में करेंगे तो अब जो है आपका स्टेप सिक्स आ जाएगा। अब सिक्स के अंदर जो है आप लोगों ने MDCAT की डिटेल्स लिख देनी है। अब MDCAT जो है वो आप लोगों ने टाइप करना होगा किस डेट को हुआ था। इसमें जो है आप लोग 2020 का भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं और 2021 वाला भी आप लोग टेस्ट जो है वो इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जो है सितंबर सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी नेम जो है वो पाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी कमीशन आ गई। ऑब्टेन मार्क्स आपने जो है वो भी लिखने जो कि 221 में से आपके मार्क्स थे वो लिख दिए। अब 200 टोटल मार्क्स आपके 221 है वो आप लोगों ने सबमिट कर दिए। तो अब इसके बाद जो है आपका ये प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेवन्थ स्टेप आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने अपना फादर नेम, फादर का सी एन ए सी जो आपका मतलब कि आप लोग देख लेगा कि बिल्कुल ठीक CNIC आप लोग टाइप करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने CNIC और फादर का ऑक्यूपेशन आप लोगों ने लिख देना है और यहाँ पे एड्रेस आप लोग टाइप कर देगा, मदर नेम आप लोग कर लेगा, यहाँ पे जो है आप लोगों ने मदर का CNIC लिख देना है, अपना बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप लोग देगा ताकि आपको जो है कोई भी इशू ना हो। अगर आप लोगों ने नन होगा तो आप लोग जो है इसमें मतलब कि इसमें आप लोगों ने अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख दे और यहाँ पे जो है अगर कोई भी नहीं है तो आप लोग नन कर देगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो करेगा तो आपका जो है वो फिर इस तरह एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद आप लोग जो है ये डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेगा तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके पास आ जाएगी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इसका आप लोगों ने प्रिंट ले लेना है, थंब इम्प्रेशन और एप्लीकेंट साइन कर लेना है और इसके बाद आप लोग जो है इस हार्ड कॉपी के साथ जो है आप लोगों ने जमा कराना होगा। सबमिट द डाउनलोडेड फॉर्म हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड बैंक चलान टू द BUMHS एडमिशन ऑफिस। तो ये कोयटा के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना जमा कराना होगा और ये तमाम जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है आपके पास सामने आ जाएगी। फर्दर यहाँ पे भी सिग्नेचर कर देने हैं और आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आपने प्रोवाइड कर देना है तो आपका जो है एडमिशन पूरा हो जाएगा। फर्दर इसके अलावा अगर आप लोग BDS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से जो है अप्लाई करना होगा और ये तमाम प्रोसेस जो है दोबारा से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। फर्दर इसके अलावा अगर कोई और आपके क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे और भी आपकी वीडियो और भी वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी हम लोग वो भी अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।